गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। ऐसे लोगों की मदद भगवान खुद करने आते हैं। आइए जानते हैं ऐसे लोगों में कौन से गुण होते हैं, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के वो अनमोल उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में खूब आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में भगवान ने बताया है कि किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होता। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। भगवान कहते हैं कि प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य करता है, जिसके बुरे परिणाम से आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करने लगता है। गीता में कहा गया है कि किसी चीज़ से, इंसान से या फिर सक्सेस पाने के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि बहुत ज़्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। गीता में कहा गया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परेशानियों का सामना करना सीखिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊँगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करें, आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्रोध करने से भी सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से भी रिश्ते बिगड़ते हैं। इसीलिए खुद को शांत और संयत रखना चाहिए। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि काम सही होगा या नहीं होगा, ऐसा ना सोचकर आप पहले पूरे मन से पूरी कोशिश लगाकर उस काम को पूरा कीजिए, उसके बाद आने वाले परिणाम के बारे में सोचें। परिणाम जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमको वो कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है।
इसलिए सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलते हैं, इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने मन पर नियंत्रण होना। हमारा मन ही दुखों का कारण होता है। ऐसे में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करना आसान हो जाता है। गीता में कहा गया है हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वो सही मार्ग पर चल सकता है। आगे कहा गया है कि हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे, इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता रहे तो उचित है। भगवान कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है, इसीलिए अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो। आज के लिए इतना ही।